बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। किंग खान और नयनतारा की ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने महज 15 दिनों के अंदर गदर 2 और दंगल जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। बुधवार तक 900 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली जवान की रफ्तार इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये फिल्म बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। शाहरुख खान की इस साल 2023 की ये दूसरी फिल्म है जो दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले उनकी पठान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। रिपोर्ट्स की माने तो जवान ने 15 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 922 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और वीकेंड तक ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर सकती है। शाहरुख खान की ये फिल्म सलमान खान से लेकर आमिर खान और सनी देओल की फिल्म के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर चुकी है।